देना चाहते थे। बड़ी खबर आ रही है संजय, जीत हो गई है आखिरी राउंड की मतगणना और दीप्ति माहेश्वरी की जीत, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, ऑफिशियली कभी भी कहा जा सकता है कि जीत हो गई है और अपने किले को बचाने में दीप्ति माहेश्वरी को कामयाबी मिली है। बीजेपी ने यह गढ़ जीत लिया है जो लगातार इनका रहा है, राजसमंद में जीत हुई है बीजेपी की, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, दीप्ति माहेश्वरी चुनाव जीत चुकी है, यानी कुल मिलाकर ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को लेकर असमंजस बीच में बना था कि 1200-1500 के मार्जिन थे, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर लिया है और अब राजसमंद की सीट बीजेपी के खाते में जो पहले थी। अब बाकी दो सीटों को लेकर देखना यह है कि कितने मार्जिन से अंतर होता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस फिलहाल दोनों सीटों पर बहुत आगे है और सुजानगढ़ में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही। लेकिन यह बीजेपी के लिए जरूर राहत देने वाली, सुकून देने वाली खबर है कि राजसमंद सीट फिलहाल बीजेपी निकालने में सफल हो गई है। बिल्कुल संजय, जबकि शुरुआत से अगर आप देखें तो मार्जिन बहुत कम चल रहा था दीप्ति माहेश्वरी का, ऐसा लग रहा था कि कुछ शायद खेल हो जाए यहां पर और हो सकता है कि तनसुख बोहरा जो है जीत जाए, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था। लेकिन फाइनली 5,310 वोट से जीत गई है दीप्ति माहेश्वरी, जो मार्जिन था उसको भी बढ़ाने में कामयाब, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का किला था उसको भी भेदने में कांग्रेस नाकामयाब रही। जबकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि हम अपना गढ़ तो बचाएंगे ही, राजसमंद भी लेंगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, राजसमंद से बीजेपी की जीत हुई है। देखिए बड़ी खबर हो सकता है खुशबू, बिल्कुल आखिरी राउंड में इस वक्त सहाड़ा पर भी मतगणना चल रही है और वहां से भी किसी भी वक्त गायत्री त्रिवेदी के लगभग जीतने की खबर मिल सकती है। दो सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं, दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद जीत चुकी हैं, बीजेपी के खाते में ये सीट पहुंच गई है। सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी काफी आगे चल रही है, जो कि कैलाश त्रिवेदी की पत्नी थी और कांग्रेस से उम्मीदवार थी, लगभग वो जीत के करीब है अब या तब, जब हो सकता है कि अनाउंस कर दिया जाए। सुजानगढ़ सीट है जिसपे फिलहाल टक्कर दे रही थी आरएलपी मनोज मेघवाल को, मनोज मेघवाल खुद पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां पर कांग्रेस काफी मार्जिन लीड से आगे है, बिल्कुल फर्क रहा है। और संजय देखिए एक बात ये भी जिक्र करना जरूरी है कि सुजानगढ़ वो सीट जो सबसे ज्यादा दिलचस्प दिखा यहां पर मामला, क्योंकि आरएलपी यहां पर बीजेपी को थर्ड नंबर पर लाने में कामयाब रही है जो अभी तक हमने नंबर्स देखे, मतलब कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं हम कि अगर हनुमान बेनीवाल ने एक अंदाजा लगाए हम कि सिर्फ इसी सीट पर वर्कआउट किया होता तो शायद समीकरण बिल्कुल अलग होते और शायद यहां पर जीत भी जाती। हालांकि ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, जो सीट है गढ़ है अपना बचाने में जरूर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो दिख रहे हैं समीकरण वो यही बता रहे हैं, लेकिन टक्कर जबरदस्त दी है आरएलपी ने यहां पर। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दीप्ति माहेश्वरी चुनाव जीत चुकी हैं, राजसमंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ चुकी है, बड़ी टक्कर यहां पर मानी जा रही थी। तनसुख बोहरा जो कि समाज सेवी के तौर पर इनकी पहचान होती थी और कई दफा इसके पहले चुनावी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन यहां पर किरण माहेश्वरी के किले को भेदना मुश्किल था और दीप्ति माहेश्वरी उनके निधन के बाद उनकी बेटी को टिकट दिया गया था और काफी जबरदस्त टक्कर हालांकि इस बार तनसुख बोहरा ने दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में दीप्ति माहेश्वरी चुनाव जीतने में सफल हो गई। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम साहब, ये सीट आपके हाथ से फिलहाल निकल गई है। देखिए हमने अपना प्रयास किया चुनाव जीतने का, बड़ी एक लहर थी वहां पे इनके फेवर में, दीप्ति माहेश्वरी जी के पक्ष में जो सिंपैथी वेव थी, उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं रही जो होनी चाहिए थी जिस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात अभी देखें इन चुनावों में एक चीज उभर के जो सामने आई है, सबसे बड़ी बात अभी बात कर रहे थे सुजानगढ़ की, तो ये वही जिला है जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर है और पूरे प्रयासों के बावजूद जो सहाड़ा में इन्होंने प्रत्याशी को ये इनके इन प्रकार अपने सारे संसाधनों से जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके बिठाया, उसके बावजूद भी वहां क्या हासिल हुआ वो देख सकते हैं हम, वहां भी तीसरे नंबर पे ही अगर जाते वो चुनाव लड़ जाते। ये विश्वास जताए डेफिनेटली जनता का विश्वास और किरण जी के विकास की जीत है राजसमंद में, और धन्यवाद देना चाहूंगी हर एक हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, हमारे भाजपा की पूरी राज्य की टीम जो यहां पर आकर लगी थी, राष्ट्र की टीम जो लगी थी, और जनता को धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूंगा। पूरी सरकार जो है वो राजसमंद विधानसभा सीट पे लगी थी और कांग्रेस पार्टी का एक लक्ष्य था कि राजसमंद की सीट को जीतना, और लगातार कहा जा रहा था कि हमें आपने भाजपा को इतने साल दिए, ढाई साल हमको दीजिए, उसके बावजूद आप ये सीट निकाल के लेके आई है, क्या लगता है क्या प्लस पॉइंट रहा है? प्लस पॉइंट किरण जी का कार्य रहा डेफिनेटली, सबसे ज़्यादा जो जनता से उनका जुड़ाव था, जो एक एक घर में 17 तारीख को हम लोग कहीं मिले
17 ये 20-25 महिलाएं थी, उन महिलाओं ने उस दिन भी गले लगाकर मेरे को रोई है, वो मैं भी रोई हूँ, वो भी रोए हैं कि किरण जी हमारे लिए इतना, तो जो जुड़ाव जनता का किरण जी के साथ था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। दूसरा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब एक एक हमारे पूरा भाजपा का पदाधिकारी हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हों, सब जनों ने बहुत लगकर काम करा है, 200-250% की मेहनत रही है इन 15 दिनों में, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, आपको फिर से आपके ऊपर विश्वास राजसमंद की जनता ने दिखाया, कैसे राजसमंद को आप आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि सरकार से विपक्षी पार्टी की सरकार है, ऐसे में राजसमंद में डेवलपमेंट को लाना एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती डेफिनेटली है, पर जब तक चुनौतियां सामने नहीं आए तब तक काम करने का मज़ा नहीं होता है, तो डेफिनेटली उन चुनौतियों को पार करके पूरी अपनी तरफ से मैं ये विश्वास दिलाऊंगी कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, जितना हो सकेगा जितने कार्य करवा सकेंगे वो कराएंगे, और केंद्र में हमारी सरकार है डेफिनेटली, और दिया जी के होने से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसा कि मैं पहले भी चुनावी दौरे में भी मैंने ये कहा था कि प्रधान और जिला ये प्रमुख और MLA और सांसद जब ये सब एक ही पार्टी से होते हैं तो अलग ही तरीके से डेवलपमेंट होता है, और वो ज़रूर होएगा। बिल्कुल, मेरा लगातार जो है चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा, सरकार के मंत्री यहाँ पर थे, आपकी तरफ से भी आरोप लगाया गया कि मंत्री जो है वो व्यापारियों के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो 5,000 की जीत रही है वो कितना आप उससे संतुष्ट हैं, जबकि किरण जी की एक बड़ी जीत दर्ज करती थी, एक तरफा जीत दर्ज करती थी, तो क्या ये प्रेशर जो है वो काम किया या क्या कारण है कि? मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि जो प्रेशर और नो प्रेशर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात पॉजिटिव आपको कहना चाहूँगी कि भाजपा के जो नींव है वो इतनी मजबूत है, और इस नींव की वजह से आज ये जीत हुई है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की जीत है ये, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत करी है, जो लगकर उन्होंने किसी भी जिसको कहते हैं दबाव हो गया या कोई डर हो गया, सबको एक तरफ रखकर सिर्फ इस एक सोच से कि भाजपा जीतनी चाहिए और विजय हमारी मतलब भाजपा की होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये पूरा पूरा श्रेय और क्रेडिट हमारे जितने यहाँ पर हमारे राज्य के सतीश जी पुनिया भाई साहब बोले, दिया कुमारी जी बोले, या चंद्रशेखर भाई साहब बोले, और हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने इतना काम करा है, हमारे सब मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला महामंत्री, सब जनों ने बहुत काम करा है, बूथ अध्यक्ष, सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अगर ये जीत किसी की है तो वो बूथ अध्यक्ष ही है, क्योंकि जमीनी लेवल पर काम वही करते हैं, वोट दिलाने का काम भी वही करते हैं। जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं तीनों ही दिवंगत नेताओं के परिजनों को टिकट मिला था, और चुनाव परिणाम 2-1 का जो है वो सामने आया है, क्या लगता है कि इस चुनाव में सिंपैथी वोटों ने काम किया? मुझे राजसमंद के बारे में ज़रूर पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली किरण जी के जो कार्य हैं, किरण जी से जो जुड़ाव है उसने काम ज़रूर करा है, क्योंकि मैं राजसमंद के लिए किरण जी की बेटी हूँ अभी तक, अब जो आगे होएगा, जो विकास के कार्य होंगे वो क्षमताओं के ऊपर होंगे, लेकिन आज तक तो वही है, तो डेफिनेटली जो जुड़ाव लोगों को, जो विश्वास उनके ऊपर था वही विश्वास उन्होंने हमारे परिवार पे दिखाया है, तो वो तो बात है। कितना दबाव रहेगा, किरण जी से लोगों की बहुत उम्मीद रहती थी और एक अलग व्यक्तित्व उनका इस क्षेत्र में था, वही जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है, लोगों ने आप में उनकी छवि देखी है, और ऐसे में अब आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, कितना दबाव आप मानते हैं? मैं प्रेशर बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि जैसा कि किरण जी इस क्षेत्र के लिए माँ थी, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बेटी माना है, तो वो उसी हक से मुझे प्यार भी करते हैं, उसी हक से मुझे अपनी समस्या भी बताते हैं, और उसी हक से अगर कहें तो डांटते भी हैं, और तो बहुत एक रिश्ता बहुत अलग है किरण जी का रिश्ता, किरण जी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, मुझे लोग प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, और मुझसे डेफिनेटली वो है अच्छा काम करना है, अच्छी सोच रखनी है और पॉजिटिव रहना है, और सबसे बड़ी बात जो किरण जी की थी, जो संस्कार उन्होंने हमें देकर भेजा है, मतलब जो बचपन से मैंने देखा है, वो ये है कि सब जितने जने हैं उन सबको एक साथ लेकर और उतना ही स्नेह और उससे चलना, वो डेफिनेटली रहेगा, किसी के मान सम्मान में कभी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने। ये दीप्ति महेश्वरी जिनका साफ कहना है किसी के मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, और ये जीत सीधा सीधा उनका कहना है कि कहने के किरण महेश्वरी की ओर से यहाँ पर जो विकास कार्य किए गए थे आज जनता ने उस पर
मोहर लगा दी है। और ये चुनाव जो कैंपेनिंग हुई थी ये भी इसी दौरान यही बात सामने आ रही थी कि या राजसमंद की जनता किरण माहेश्वरी के विकास के कामों पर वोट लगाएगी या प्रदेश सरकार को राजसमंद की सीट कांग्रेस की झोली में डाल के और प्रदेश सरकार को 2.5 साल का मौका देगी। लेकिन राजसमंद की जनता ने एक बार फिर किरण माहेश्वरी की बेटी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया।